और हम आपके लिए लाए हैं एक नया कोर्स जो कि है पॉलिटिकल साइंस यानी के इल्मे सियासियत। पाकिस्तान का कौन सा बंदा है जो सियासत पे नहीं बोल सकता। हर गली में, हर डेरे में, हर जगह पर जहां भी महफिल लगी होती है तो वहां किस चीज की बात हो रही होती है कि सियासत क्या है, मुल्क में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। और इस कोर्स में हम पढ़ने वाले हैं कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, यानी कि सियासत को जानना साइंटिफिकली वो क्या है। इसमें हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका मेन कंसर्न किस चीज के साथ है, स्टेट क्या है, स्टेट की टाइप्स क्या है, स्टेट्स के एलिमेंट्स क्या है, स्टेट्स की आइडियोलॉजीज क्या है, स्टेट की नेचर क्या है, पॉलिटिकल साइंस का स्कोप क्या है, पॉलिटिकल साइंस की इंपॉर्टेंस क्या है। आइए लेट्स ब्रेक द आइस और एक एक करके तमाम चीजों को डिस्कस करते हैं। वर्ड अगर आप गौर करें पॉलिटिकल साइंस के ऊपर, पॉलिटिकल निकला है ग्रीक वर्ड पॉलिस यानी के स्टेट या सिटी स्टेट, और साइंस का मतलब है नोइंग यानी के किसी चीज को जानना। तो अब ये क्या बना, यानी के रियासत को जानने को हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस। अब इसका मीनिंग भी यही है, यानी के हुकूमत को जानना वो किस तरह से वर्क करती है, रियासत क्या होती है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये सब आता है पॉलिटिकल साइंस में। अब इसकी डेफिनेशन देते हैं। गार्नर कहता है कि पॉलिटिकल साइंस बिगिंस विद द स्टेट एंड एंड विद द स्टेट्स, यानी के जो पॉलिटिकल साइंस है इसका जो मेन मुद्दा है, इसका मौजूए कलाम है, जो इसका सेंटर पॉइंट है वो क्या है, स्टेट है। कि अगर ये स्टेट है सेंटर में और ये इसकी इर्द गिर्द बाउंड्री है, तो पॉलिटिकल साइंस स्टेट के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है कि कहती है कि स्टेट क्या है, स्टेट क्यों है, स्टेट कैसे वर्क करती है, किस तरह से अच्छी हो सकती है, किस तरह पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वर्क करते हैं और किस तरह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करती है। तो ये सारी चीजें आती हैं स्टेट के अंदर और यही है पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू गार्नर। तो स्टेट कहते हैं कि पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज कम्युनिटी, ऐसी कम्युनिटी, लोगों का ऐसा ग्रोह, ऐसा जत्था जो कि पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज हो एंड गवर्न बाय अ सिंगल गवर्नमेंट, और उनके ऊपर एक हुकूमत राज करे, तो उसको क्या कहते हैं, स्टेट। अब जो स्टेट है उसकी आगे टाइप्स हैं, उसके एलिमेंट्स हैं, उसकी नेचर है, उसकी आइडियोलॉजीज हैं। अब स्टेट की जो एलिमेंट है वो होते हैं चार। नंबर वन गवर्नमेंट, नंबर टू सॉवरेनिटी, नंबर थ्री टेरिटरी एंड नंबर फोर पॉपुलेशन। गवर्नमेंट यानी कि हुकूमत, हुकूमत किस तरह से है, आया कि वो ओलिगार्की है, डेमोक्रेसी है या ऑटोक्रेसी है। इसके बाद सॉवरेनिटी, तो उसका सॉवरेन कौन है, उसका इलिट कौन है, उसको रूल करने वाला कौन है, इख्तियार आला किसके पास है। उसके बाद पॉपुलेशन यानी कि आवाम कितनी है, टेरिटरी उसकी हदूद कितनी है। तो देखें अगर एक मुल्क हो तो उसको चलाने वाला कोई इलिट होता है, कोई उसका बादशाह होता है, कोई किंग होता है, या कोई उसका प्राइम मिनिस्टर होता है या प्रेसिडेंट होता है, तो ये किस में आ गया, सॉवरन में आ जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट जो है, उस बंदे की गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रॉपर वे से डिवीन ऑफ पावर है, तो ये किस में आ जाएगा, ये गवर्नमेंट में आ जाएगा। उसके बाद पॉपुलेशन, कि उसके लोग कितने हैं, वो पॉपुलेशन में आएगा। उसकी हदूद अरबा कितना है, कहाँ का परवा क्या है, कितना रकबा है, तो ये किस में आएगा, उसकी टेरिटरी में आएगा। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ स्टेट, यानी कि जो स्टेट है उसकी टाइप्स क्या क्या है। एक होती है यूनिटरी, एक होती है फेडरल, एक होता है कॉन्फेडरेशन। यूनिटरी देखिए निकला यूनि यानी एक, वाहदत अकेला। यूनिटरी जो बंदा, एक बंदा जब रूल करता है तो हम उसे क्या कहते हैं, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अरब स्टेट्स जितनी है इनमें अब क्या है, यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि एक बादशाह रूल करता है या एक हुकूमत होती है। उसके बाद आता है यूनिटी के बाद आता है फेडरेशन, यानी कि मुख्तलिफ सूबे, मुख्तलिफ प्रोविंसेस या मुख्तलिफ स्टेट मिलती हैं और वो बनाती हैं एक चीज, तो उसे हम क्या कहते हैं, फेडरेशन। जैसे कि पाकिस्तान एक फेडरल स्टेट है। उसके बाद है कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन कहते हैं जब मुख्तलिफ नेशंस एक मुद्दे पे एक पॉइंट पे मिलते हैं, जैसे अगर यूनाइटेड नेशन है तो वहां पर हम अपने अमन पीस के लिए, हम अपनी डिफरेंट चीजों के लिए अलायंस जो हम बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्फेडरेशन। यूनिटरी यानी कि एक हुकूमत,
सब चीजों पूरे मुल्क में एक रूल, हर जगह पे एक रूल, फेडरेशन रूल्स मुख्तलिफ हो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन आपका एक हो, और कॉन्फेडरेशन यानी कि मुख्तलिफ नेशन मिले एक मुद्दे पे। इसके बाद नेचर ऑफ स्टेट होती है सेकुलर, यानी कि वो सेकुलर हो सकती है, वहां पर हर बंदे को आजादी है। थ्यूक्रेटिक हो सकती है यानी कि वो स्टेट मजहबी है। इसके बाद मॉडरेट है यानी कि ना वो थ्यूक्रेटिक है ना सेकुलर है, बल्कि वो दरमियान में है। अब स्कोप में स्टडी करते हैं, क्या स्टडी करते हैं, गवर्नमेंट, इसके डिफरेंट इंस्टीट्यूट, वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं, किस तरह से गवर्न कर रहे हैं, आया कि वो सही काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। तो अब ये सारी चीजें जो है ये हम इसमें पढ़ते हैं, और स्कोप में हम पढ़ते हैं कि पब्लिक लॉ क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, उसके बाद हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशन क्या है और इकोनॉमी क्या है। तो ये सारी चीजें आती हैं स्कोप के अंदर। इसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंस, पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना क्यों जरूरी है। पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना इसलिए जरूरी है कि हम जानते हैं कि स्टेट क्या है, गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट किस तरह से वर्क करती है, हम गवर्नमेंट के बारे में जानते हैं कि इसकी हायरार्की क्या है, कौन बंदा किस पॉइंट पे बैठा है, किस तरह से क्या वर्क कर रहा है, अगर कोई चीज अच्छी नहीं होती तो हम उसे पॉइंट आउट कर देते हैं। तो अब ये है इसकी इंपॉर्टेंस। अब सम अप करते हैं सारे लेक्चर को। हमने सबसे पहले पढ़ा पॉलिटिकल साइंस है क्या, इसका मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका मेन कंसर्न किसके साथ है, स्टेट क्या होती है, स्टेट की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद स्टेट की टाइप्स क्या है, उसकी एलिमेंट्स क्या है, उसकी नेचर क्या है, और उसके बाद हमने पढ़ा कि इसका स्कोप क्या है पॉलिटिकल साइंस का, और एंड में पढ़ा कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।